हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी मंडे एंड फ्राइडे, वीक में दो बार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग की हुई है, तो मेरा वीडियो पूरा इसी के बारे में है। और आपने ऑलरेडी एक ब्लॉग देख लिया है जो मैं उसके लिए शॉपिंग करने गई थी। तो यार, जब बेबीज हो जाते हैं तो उसके बाद मॉम और डैड की शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो बस बेबी की ही शॉपिंग हुई है। तो मैं आज पूरा शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी का। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या क्लोथिंग आइटम लिए हैं। तो पूरा वीडियो हमारे बेबी शॉपिंग के बारे में है, तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये खरीदा हुआ है सेट, इस टाइप से पूरा ऊपर से नीचे तक रोम्पर। इसमें ये वाइट कलर का है और इसमें स्मॉल स्मॉल ग्रे कलर से एलिफेंट बने हुए हैं। और इसमें इस तरह से सॉक्स के बैक साइड ऐसे लास्टिक भी है, जिससे ये बहुत अच्छी, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही कंफर्टेबल है। क्योंकि ये फ्रंट से, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रंट में पूरा ओपन होने वाले होते हैं इस टाइप के सेट्स, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली जो ऊपर से पहनाने वाले होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्ट पीस मुझे लगा। और मैं मोस्टली वाइट कलर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे वाइट कलर ज़्यादा पसंद है बेबी के लिए, क्योंकि कुछ भी थोड़ा बहुत डेली कपड़े चेंज होते हैं तो एक जो शाइनिंग होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, शाइन क्रिएट होती है। तो इसी तरह से मैंने सेकेंड खरीदा हुआ है ये ग्रे और वाइट के स्ट्राइप्स में, और ये भी मेरा सेम है। तो ये मैंने दो का एक साथ पैक लिया हुआ था, और ये मेरा 62 नंबर मैंने लिया है, 2 to 4 months, और ये H&M स्टोर से हैं दोनों। और फ्रेंड्स, ये दोनों 100% इको फ्रेंडली वाले कॉटन के हैं, तो बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी, सॉफ्ट भी है। और इसी तरह से दो और का पैक लिया हुआ है, दो का पैक, ये लाइट ग्रीन एंड वाइट की स्ट्राइप्स में सेम है, बस इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, वो ग्रे एंड वाइट था, इसका वाइट एंड ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से एक ये पैक है इसके साथ और एक ये वाला है। इसमें क्या है, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में वाइट पर डायनासोर का प्रिंट है। तो सेम ये भी उसी टाइप से H&M से ही है ये चारों सेट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, सॉफ्ट है। जैसे बेबी के लिए मैं बोलती हूँ आपसे कि मैं कॉटन प्रेफर करती हूँ, तो मैंने कॉटन इनर साइड पहनाने के लिए कॉटन को ही प्रेफर किया, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और यार, H&M की चीज़ें वैसे भी बेस्ट होती हैं, चाहे आप जेंट्स के लिए लो या लेडीज़ के लिए लो या फिर आप अपने बेबी के लिए ले रहे हो किसी के लिए भी, तो उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह से मैंने ये जो स्ट्राइप ड्रेस पहना हुआ है, प्लीटेड ड्रेस, ये भी मेरा H&M का ही है, तो मुझे H&M के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। बट ये मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ अपने पैसे से मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं वो आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आई। तो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। जैसे मैंने आपको बेबी के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करें उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे 3 socks के अलावा और भी सॉक्स की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पे मैंने 3 socks ही लिए थे। फिर उसके बाद मैं मार्केट नहीं जा पाई, बट मैं अभी जब मार्केट गई तो मैं अगेन 3 का पैक लेके आई हूँ। H&M का है ये, और ये कॉन्शियस वाला पैक है, तो ये काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और इसमें एक चीज़ और बेनिफिट है कि इस तरह से आप इन वाले सॉक्स को जब ऊपर की तरफ से ऐसे खोल देंगे तो ये और लंबे हो जाएंगे, तो ये विंटर्स के लिए मुझे सही लगा, क्योंकि यहाँ यूरोप में यार बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी आपके साथ आप ब्लॉग देखा आपने, उसमें पता ही चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा अभी भी ठंड है, तो मैंने वो ध्यान में रख के ये वाले सॉक्स लिए हैं। और ये भी कॉटन के ही हैं, बट क्या इसमें प्रॉफिट ये है कि ये ऊपर तक है तो उससे कवरेज अच्छी मिल जाएगी, बेबी को ठंड कम लगेगी, तो मैंने ये ध्यान में रख के ये वाले सॉक्स को परचेज़ किया है। तो काफ़ी सही है इनकी क्वालिटी, कलर भी 3 colors हैं इसमें, लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे एंड डार्क ग्रे। तो इस टाइप से मैंने ये 3 का सेट लिया है पूरा। और नेक्स्ट मैंने फ्रेंड शॉपिंग किया है अपने बेबी के लिए ही, 100% ऑर्गेनिक कॉटन का ये 2 mitten सेट। उसके मिटन सारे छोटे हो गए हैं तो वो हाथ ऐसे फैलाता है तो उसके मिटन निकल जाते, तो मैंने ये लंबा ब्रॉड बॉर्डर वाला मिटन को चूज़ किया, और काफ़ी सही है ये वाले मिटन। मैं बोल रही हूँ आपसे, मैंने मोस्टली शॉपिंग वाइट कलर में की है, तो जो जैसा मिल गया मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे अगेन लॉकडाउन हो चुका है
और जब भी ये वीडियो आएगा तब तक लॉकडाउन यहाँ हो चुका है, तो उसके हिसाब से मैंने जो जितना जल्दी मुझे मैं ले पाई हूँ उतना जल्दी मैंने शॉपिंग किया है। और डिलीवरी होने के बाद हम लोग मार्केट बिल्कुल नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड था, -20 तक टेम्परेचर इस बार यहाँ पर गया है, तो यार बहुत ज़्यादा ठंड थी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे कि मैंने क्या शॉप किया है अपने बेबी के लिए। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट शॉपिंग किया है पेप्को स्टोर से। तो मैंने ऐसे दो का सेट लिया हुआ है, ये कैप और मिटन का, बट ये मिटन आई थिंक मुझे यूज़ नहीं होंगे क्योंकि वो हाथ ऐसे फैलाता है मिटन के अंदर ना, तो फिर मिटन निकल जाते हैं और इसका बॉर्डर भी बहुत छोटा है। तो कैप बट यूज़ होगी, मुझे कैप डोरी वाली चाहिए थी जो मैं टाई कर सकूँ, तो जो विदाउट टाई वाली कैप मैंने पहले ली थी तो मुझे रिलायंस वो उसके सर पे रुक ही नहीं रही है यार, तो फिर मैंने ये टाई करने वाली कैप ली हुई है। ये भी हमारी 100% कॉटन की है, ऑर्गेनिक कॉटन, आप देख सकते हो 100% ऑर्गेनिक कॉटन। तो ये मैंने दो कैप ली हुई है उसके लिए, सेम लिए हैं तो ग्रीन वाले दो पैक हैं, दो सेट हैं उनके साथ, सेम मैच हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट शॉपिंग पेप्को स्टोर से ही की है, तो मैंने और 3 का पैक लिया हुआ है सॉक्स का, 3 का पैक है ये भी। फ्रेंड्स, हमारा कॉटन ही है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 73% कॉटन है और अदर बाकी इलास्टेन है। तो बाकी ये भी बहुत ही अच्छी है इनकी क्वालिटी, तो मैंने ये 3 कलर में, डिफरेंट 3 कलर में लिए। स्पेशली ये वाला कलर तो मैंने इसलिए चूज़ किया कि उसके और भी जो ड्रेसेस हैं उसमें मैच करेगा, और आपको दिखाती जा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये वाला सॉक्स किस ड्रेस के साथ उसके मैच होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, 21 स्वेट टी शर्ट लिया है मैंने उसके लिए, इसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर से पांडा बना हुआ, और मैंने स्पेशली ये ध्यान रखा है कि मुझे जो भी कपड़े लेने हैं उसके लिए फ्रंट से पूरे ओपन हो जाए क्योंकि पहनाने में बहुत ईजी होता है, बच्चे वरना बहुत परेशान करते हैं। और इसमें ये अच्छा सा हुड है, हुड टी शर्ट है, स्वेट टी शर्ट, और काफ़ी अच्छा है ये भी, हमारा काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने ऊपर से लेयरिंग करने के लिए उसको लिया हुआ है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला, और इसका और भी कलर थे बट वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट फ्रेंड, मूव करते हैं, मैंने नेक्स्ट आइटम क्या परचेस किया है। नेक्स्ट मैंने ये पिंकी शर्ट उसके लिए पसंद किया है, बट ये थोड़ा, ये मैंने लेडीज सेक्शन से चूज़ किया क्योंकि आप देख सकते हो इसमें पफ स्लीव्स हैं, ऊपर चुन्नट्स पड़ी हुई हैं, तो ये लेडीज़ वाले उससे सेक्शन से चूज़ किया है। और इसमें नीचे ये भी है डायपर लगाने के लिए, तो ये निकलेगा भी नहीं बाहर जब उसको पहनाएंगे, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसमें स्पेशली मैंने ये इस वजह से ही लिया कि इसमें आप डायपर जब पहनाते हो तो ऊपर से जब इसको बंद कर दोगे डायपर पहनाने के बाद तो ये जीन्स से बाहर नहीं आएगा, तो मुझे ये वाला शर्ट इसीलिए अच्छा लगा। और ये वुलन कपड़े में है, अभी भी यहाँ बहुत ठंड है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मुझे वुलन कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। मार्च है और अभी भी यहाँ बर्फ हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड होगी, बट घर के अंदर अच्छा हीटिंग होता है तो फिर वीडियो करना ऐसे बैठ के तो ईजी है, अदरवाइज़ तो बाहर तो आप ब्लॉग देख ही चुके हो कि कैसे पहन के ओढ़ के जाना रहता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स, मैंने अपने बेबी के लिए लिया ये वाला शर्ट, इसमें हाफ एंड हाफ अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, उसके लिए काफ़ी पसंद आया। फुल शर्ट है और ये भी स्वेट शर्ट है, वुलन शर्ट है, और काफ़ी स्मार्ट लुक आएगा, तो मैं आपके साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दूँगी कि कैसा लगता है, या मैं जब भी इसको पहनाऊँगी तो आपको दिखा दूँगी कि बेबी के ऊपर मेरे कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज़ किया अपने बेबी के लिए ये वाला जीन्स। तो इस तरह से मैंने दो जीन्स परचेज़ किए हैं, एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में। तो जो डार्क वाला शेड है उसमें ऊपर लास्टिक है, इस तरह से टाई अप डिटेलिंग भी दी हुई है, बट जो लाइट कलर वाला है उसमें टाई अप डिटेलिंग नहीं दी है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड वाला है। तो मुझे ये दो, मैंने डिफरेंट लाइट एंड डार्क शेड में दो जीन्स को चूज़ किया हुआ है, और काफ़ी सही है, क्वालिटी इनकी अच्छी है, कॉटन के ही हैं, तो मैंने ये ध्यान में रखा है स्पेशली कि मुझे कॉटन के ही लेने हैं, जो भी क्लोथ लेने हैं मोस्टली जो हम कॉटन के ले सकते हैं वो मैंने कॉटन को ही प्रेफरेंस दी है, तो मैंने कॉटन के लिए लिए हैं जो बेबी की स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट बेबी के लिए परचेज किए ये वाले शूज़, इसमें डॉगी का फुटप्रिंट बना हुआ है उसके शूज़ में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसकी ड्रेस के साथ भी मैच होगा। तो ये शूज़ और सॉक्स से आपको पता चल गया होगा मैंने किस ड्रेस की कॉम्बिनेशन में लिया है, तो ये मैंने इस वाली शर्ट के कॉम्बिनेशन में मैच करा के लिए, तो मुझे काफ़ी ये वाला सेट काफ़ी स्मार्ट लगा, तो मैं आपके साथ पिक जरूर शेयर करूँगी जब भी उसको ये वाला सेट पहनाऊँगी या फिर किसी वीडियो में उसको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊँगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम विंटर के लिए मैंने ये इसके लिए आउटर वियर परचेज किया है, ये बहुत ही मुझे सही लगा, मुझे स्पेशली मैं इसी तरह का ढूंढ रही थी, तो ये इस तरह से दोनों चैन है और खुल जाएंगी, और पूरा इसमें बेबी को आप लिटा के और पूरा ऐसे बंद कर दो, तो उसको आप बर्फ में पहनाने के लिए स्पेशली इस टाइप के कपड़े लिए जाते हैं यहाँ पर,
तो मैंने ये स्नोफॉल के टाइम के लिए परचेज किए हैं और ये पूरा नीचे पैर में इस तरह से है पहनाने के लिए, और इसके मिटेंस भी दिए हुए हैं साथ में, तो और कैप भी इस टाइप की है वुलन के अंदर। इसमें इतना अच्छा सा सॉफ्ट सा फ्लीस लगा हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैं इस टाइप का पूरा सेट बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, डिलीवरी के पहले से ढूंढ रही थी, बट ये मुझे जब मैं उस दिन शॉपिंग पर गई तो मुझे ये मिल गया, तो मैंने परचेज कर लिया। बट काफ़ी सही है, मैंने ये पेप्को और H&M से नहीं लिया, H&M में तो था ही नहीं इस टाइप का, मैंने ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन लिया है ऑशन सुपरमार्केट से, तो मुझे ये काफ़ी सही लगा और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। बट ये थोड़ा सा डार्क पिंक टाइप का है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने पिंक कलर का ही चूज़ किया। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ ही पहनती हैं सिर्फ पिंक कलर, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बेबी को भी अच्छा लगा, वो देख के खुश हो गया इसको, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। तो ये लास्ट प्रोडक्ट था और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है, बिना इसके तो ठंड में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इस वाले सेट को परचेज़ किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे बेबी के आइटम आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरा हॉल कैसा लगा। और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंट्रेस्ट पर, मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।